जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी विंडोज एंड यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नाउ स्टार्ट द लेक्चर एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सी, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द एंड यूजर। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर बिकॉज प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, रनिंग applications, file management and handling the memory is all managed by computer operating system. And all modern computing devices, for an example laptops, right, tablet, computer, phones, etc. comprise an operating system. For an example, Windows, right, Mac, Android, etc. etc. In the previous lecture we have studied system software as well as application software and utility software. In this lecture we will focus on Windows, right? And this is important topic because this is mentioned in our syllabus. And from this topic 3 marker, 5 marker or 11 marker question may be asked. 3 marker questions, for an example Windows 1, Windows 2, Windows 3, Windows 98, right, Windows 2000, right? These may be asked as a 3 marker question, and definitely you must have 2 or 3 facts to write about these answers, right? 5 marker question may be asked, right? What are the functions of Windows 7 or what are the functions of Windows Vista? 11 marker question may be asked, right? What is an operating system and what are the characteristics of Windows 10? क्योंकि 11 marker question में right mainly एक topic होता है और एक sub topic होता है, right? So what is an operating system and what are the functions of Windows 10, right? So this may be asked as a 11 marker question. Therefore we will study Windows in depth. So let's study Windows. See, Microsoft Windows is a group of several proprietary graphical operating system families, all of which developed and marketed by Microsoft, right? तो ये जो जितने भी operating system हैं इनको develop और इनकी marketing जो है वो Microsoft के द्वारा की जाती है, और इसमें से जो भी operating system होता है, right? Every family caters to certain sector of computing industries. तो ये यहाँ पर विंडोज का क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है विंडोज का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। यदि थ्री मार्कर में केवल और केवल विंडोज की डेफिनेशन पूछी जाती है तो हम ये लिख सकते हैं, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल GUIs या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फैमिलीज, ऑल ऑफ विच डेवलप्ड, सोल्ड एंड मार्केटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, आर नोन एज और इज नोन एज विंडोज। और विंडोज का जो करेंटली ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि यूज किया जाता है वो कौन सा हो जाएगा, विंडोज 10 हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू नो अबाउट विंडोज। तो देखिए, विंडोज को किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज को डेवलप किया गया है। और ये जो है आपको थ्री मार्कर के लिए ये सब इफेक्ट्स क्या हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट? सो विंडोज वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड विंडोज की इनिशियल रिलीज डेट थी 28 नवंबर 1985। एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज फॉर पर्सनल कंप्यूटर। दिस इज अवेलेबल इन 138 लैंग्वेजेस, राइट? और इसका जो यूजर इंटरफेस है उसको कहा जाता है विंडोज सेल। एंड ऑफिशियल वेबसाइट इज microsoft.com, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट history and development of Windows, right? So as I told you in the previous lecture कि जो earlier computers होते थे उनमें operating system होता ही नहीं था, right? उनमें commands होती थी and user had to remember the commands for every program, right? Therefore ये जो commands के माध्यम से जब कंप्यूटर को रन किया जाता था या प्रोग्राम्स को रन किया जाता था, सो दिस मेड द प्रोसेसिंग को जो है इसने कॉम्प्लेक्स बना दिया था। देयरफॉर जो इंटरफेस है, राइट, डेवलपमेंट ऑफ इंटरफेस है, ये क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। तो इट वाज इन 1983 वर्क ऑन इंटरफेस मैनेजर वाज स्टार्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने
इंटरफेस मैनेजर को कब से स्टार्ट किया था? 1983 से. सो इट वाज इन 1983 व्हेन वर्क ऑन इंटरफेस मैनेजर वाज स्टार्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट. बट इट वाज इन नवंबर 1985 व्हेन द फर्स्ट विंडोज 1.0 वाज इंट्रोड्यूस्ड. मैं आपको यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो विंडोज 1 था, विंडोज 2 था और विंडोज 3, इनको इन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं माना जाता है, इनको ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट बोला जाता है, राइट? तो यहां पर जो विंडोज का विंडोज 1 हो जाएगा, विंडोज 2 हो जाएगा और विंडोज 3 हो जाएगा, राइट? सो विंडोज 1, विंडोज 2 एंड विंडोज 3, राइट, उनको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ना मानकर, राइट, उनको जो है ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट बोला जाता है. विंडोज का जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो विंडोज 95 था, जो कि रिलीज किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, राइट? तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो हिस्ट्री है वो क्या है कि इट वाज इन 1983 व्हेन वर्क ऑन इंटरफेस मैनेजर वाज स्टार्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, बट इन 1985 द फर्स्ट विंडोज ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट 1.0 वाज इंट्रोड्यूस्ड. देन जो फर्स्ट, राइट, देन जो विंडोज 3 था वो 1990 में जो है रिलीज किया गया था. विंडोज 95 ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, लॉन्च इन 1995. विंडोज 98 को 98 में लॉन्च किया गया था, राइट. फिर विंडोज 2000 को जो है 2000 में लॉन्च किया गया था. देन विंडोज XP यहाँ पर क्या हो जाएगा 2004 में, विंडोज विस्टा को 2007 में, विंडोज 7 को 2009 में एंड विंडोज 10 को 2015 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था. और यहीं से जो है क्वेश्चंस जो हैं फॉर्म होंगे, राइट. हमें ऐसे ऑपरेट जो इनिशियलिंग जो इनिशियल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है या इनिशियल ऑपरेटिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको हमको 3 मार्कर या 5 मार्कर के लिए जो है हमको प्रिपेयर करना है. साथ ही साथ विंडोज 10 और विंडोज 8 को हमको जो है 11 मार्कर के लिए भी प्रिपेयर करना है, राइट. बिफोर स्टडिंग दीज ऑपरेटिंग सिस्टम लेट्स टॉक अबाउट द कीवर्ड्स ऑफ विंडोज सो दैट आप इन ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ पाए, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये आपको घूम फिर के हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलेंगे, राइट. सो लेट्स स्टडी द कीवर्ड्स ऑफ विंडोज. द फर्स्ट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था. तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटररिलेशनशिप बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर थ्रू पिक्चर ग्राफिक्स एंड क्या हो जाएगा, आइकन्स हो जाएगा, राइट. सपोज दैट दिस इज द कंप्यूटर, राइट. अब यूजर इंटरफेस नहीं होता तो आई हैड टू पुट हियर द कमांड्स, राइट, और उन कमांड्स के आधार पर मैं इस कंप्यूटर को प्रोसेस कर पाता. बट नाउ आई हैव आइकन्स फॉर एन एग्जाम्पल, राइट, दीज आर द आइकन्स, राइट. जैसे मुझे फाइल्स, ये आइकन किसका है, राइट. सो दिस इज आइकन ऑफ फाइल्स. मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा तो ये फाइल्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर ढेर सारे आइकन्स मिल जाएंगे, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको फंक्शन को या जो भी टास्क आपको परफॉर्म करना है डायरेक्टली आप उस पर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, राइट. सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर थ्रू पिक्चर ग्राफिक्स एंड आइकन्स, उसको ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं. नाउ सेकेंड, एक्टिव विंडोज. अब एक्टिव विंडो कौन सी होती है, तो अगर हम देखें तो द विंडो विच इज बीइंग प्रोसेस्ड, जिस पर हम वर्क कर रहे हैं या जो प्रोसेस हो रही है उसको ही एक्टिव विंडो कहते हैं, राइट. फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम कंप्यूटर में 3-4 एप्लीकेशंस को यूज करते हैं तो जिस विंडो पर या जिस एप्लीकेशन पर हम वर्क करते हैं या जिस जो प्रोसेस होती है उसको ही क्या कहते हैं, एक्टिव विंडो कहते हैं. तो इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द विंडो विच इज बीइंग प्रोसेस्ड इज नोन एज एक्टिव विंडो, जिसका टाइटल बार क्या होता है, इस तरीके से डार्क कलर का होता है. और जैसे हम टाइटल बार पर क्लिक करेंगे, राइट, या उसके किसी भी पार्ट पर क्लिक करेंगे तो वो विंडो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी. नेक्स्ट इज प्लग एंड प्ले. अब प्लग एंड प्ले क्या होता है, नॉर्मली अगर हम कंप्यूटर में कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं और उसके लिए अगर हमको कंप्यूटर को ऑफ करना पड़ता है, राइट, तो
वो कन्वेंशनल मेथड हो जाएगी, बट प्लग एंड प्ले इसका ही क्या हो जाएगा, एडवांस वर्जन हो जाएगा, राइट। सो इन दिस द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइज द न्यूली एडेड हार्डवेयर एंड मेक्स इज यूजेबल। फॉर एन एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पर, पेन ड्राइव हो जाएगा, राइट। तो पेन ड्राइव के लिए आपको कंप्यूटर को ऑफ नहीं करना पड़ेगा। सो प्लग एंड प्ले इज द राइट, इन प्लग एंड प्ले द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइज द न्यूली एडेड हार्डवेयर एंड मेक्स इट यूजेबल। देयरफॉर देयर इज नो नीड टू रीस्टार्ट और ऑफ द कंप्यूटर आफ्टर एडिंग द न्यू हार्डवेयर, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर पेन ड्राइव हो जाएगा, या आप मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर फाइल क्या होता है। तो देखिए थ्री मार्कर के लिए फाइल को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फाइल क्या है, व्हाट इज द फाइल, द ग्रुप ऑफ डाटा, राइट। द ग्रुप ऑफ डाटा स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज फाइल। फाइल नेम इन विंडोज कैन बी अप टू 255 कैरेक्टर। तो किसी भी फाइल का जो नेम है वो अप टू 255 कैरेक्टर तक हो सकता है, राइट। इन विच देयर कैन बी नंबर्स, लेटर्स एन एम्प्टी स्टेट, बट फाइल नेम में जो स्पेशल सिंबल्स हैं वो उनका यूज नहीं किया जाता है, राइट। द फाइल नेम इन द कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट जो कि फाइल का नेम होता है, एंड सेकेंड जो पार्ट होता है वो क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, जो कि बताता है कि उस फाइल का टाइप क्या है, वो किस टाइप की फाइल है, राइट। तो यहाँ पर एक्सटेंशन क्या होता है उसको भी समझना। तो हमने अभी क्या समझा, फाइल क्या होती है। तो देखिए द ग्रुप ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इन सेकेंड मेमोरी इज नोन एज फाइल, राइट। और फाइल का जो नेम है वो अप टू 255 कैरेक्टर का हो सकता है, जिसमें नंबर्स का, लेटर्स का और एम्प्टी स्पेस का यूज़ किया जा सकता है, बट स्पेशल सिंबल्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फाइल नेमिंग। द नेम ऑफ द फाइल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, जिसमें से एक तो क्या हो जाएगा, फाइल का नेम हो जाएगा, और सेकेंड क्या होता है, एक्सटेंशन। तो अगेन इसको आपको फिर थ्री मार्कर के लिए जो है प्रिपेयर करना है, व्हाट इज एक्सटेंशन, राइट। सो एक्सटेंशन आर ऑटोमेटिकली गिवन बाय द कंप्यूटर ऑन सेविंग द फाइल, सो दैट जो डिफरेंट फाइल हैं उनमें से आप समझ सकें, यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज द टाइप ऑफ फाइल। फॉर एन एग्जाम्पल जिस फाइल के पीछे DOC वर्ड जुड़ा होगा, यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल। जिसमें TAT जुड़ा होगा वो कैसी होगी, टेक्स्ट फाइल होगी। सो एक्सटेंशंस आर ऑटोमेटिकली गिवन बाय द कंप्यूटर ऑन सेविंग द फाइल, राइट। एंड जो एक्सटेंशन नेम है वो आफ्टर जो है डॉट के बाद में जो है एक्सटेंशन नेम को जो है दिया जाता है, राइट। सो दैट आप फाइल का टाइप जो है समझ सकें, एंड सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल। फॉर एन एग्जाम्पल जो फाइल नेम है, जैसे मैंने मान लिया avcd.exe, तो exe का मतलब क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल हो जाएगा, राइट। जैसे मैंने कहा कि xyz.doc, तो वो वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल होगी, tat तो टेक्स्ट फाइल होगी, .hlp तो वो क्या होगी, हेल्प फाइल होगी, .gpj तो वो ग्राफिक्स फाइल होगी, .bas तो वो बेसिक प्रोग्राम फाइल होगी, .bak तो वो बैकअप डाटा फाइल होगी, और .wav तो वो कैसी होगी, साउंड वेव फाइल होगी, राइट। चलिए, और नाउडेज क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो कंप्यूटर की फाइल्स हैं उनके लिए आपको जो है सिंबल्स भी मिल जाते हैं। जैसे मोबाइल में आप कई बार देखते होंगे तो वहाँ पर फाइल नेम के साथ साथ आपको आइकन्स भी इनके जो हैं मिल जाते हैं, राइट। सो इन दिस वे वी हैव आल्सो प्रिपेयर्ड GUI, एक्टिव विंडो, राइट, प्लग एंड प्ले, फाइल फॉर थ्री मार्कर क्वेश्चंस। नाउ लेट्स स्टडी द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो इसमें से जो विंडोज 10 है, विंडोज 8 है, उसको 11 मार्कर के लिए, विंडोज विस्टा है, विंडोज XP है, उसको 5 मार्कर के लिए, और जो इनिशियल जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है उनको 3 मार्कर के लिए हमको जो है पढ़ना है। सो लेट्स स्टडी वर्जन्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट 11 मार्कर क्वेश्चन, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो उसमें भी आपको फिर जो जितने डिफरेंट वर्जन हैं उनके नाम पता होने चाहिए. सो द फर्स्ट वर्जन विच इज विंडोज 1. अब विंडोज 1, तो देखिए विंडोज 1 को रिलीज किया गया था 20 नवंबर 1985 में, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना होकर प्योर ऑपरेटिंग क्या है, इन्वायरमेंट. दरअसल ये इसका डेवलपमेंट फेज था, और डेवलपमेंट फेज में ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना होकर एक प्योर और ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट था, विच मीन्स कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ये जो था कंप्यूटर को एनवायरनमेंट देने के लिए था. इसमें जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ किया गया था, और इसमें सिंपल ग्राफिक्स थे. साथ ही साथ इसमें जो ऑफर्ड लिमिटेड मल्टीटास्किंग थी, राइट, उसका फ्यूचर में क्या था, बेटर पोटेंशियल था. तो यदि ये 3 मार्कर में पूछा जाता है तो आप 3 जो फैक्ट्स हैं वो लिख सकते हैं. विंडोज 1.0 वाज रिलीज्ड ऑन नवंबर 2019 85. दिस वाज प्योर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट इन विच ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाज यूज्ड, और इसमें सिंपल जो ग्राफिक्स थे उनको यूज़ किया गया था. नाउ विंडोज 2. विंडोज 2 वाज रिलीज्ड ऑन डिसम्बर 9, 1987, और ये एक 16-bit ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बेस्ड क्या था, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट था. तो ये भी क्या है, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट थे. सो दिस वाज रिलीज्ड ऑन डिसम्बर 9, 1987. इट वाज 16-bit ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट. इसमें कंट्रोल पैनल को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था. इन द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाज आल्सो इंट्रोड्यूस इन विंडोज 2.0. अनलाइक विंडोज 1.0, इट हैड द कैपेसिटी टू अलाउ एप्लीकेशंस टू ओवरलैप ईच अदर, राइट, एंड इट वाज द लास्ट ऑपरेटिंग विंडोज विच डिड नॉट रिक्वायर अ हार्ड डिस्क. इसके लिए कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी नहीं था, जिसमें हार्डवेयर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. नाउ हो जाएगा विंडोज 3, राइट. सो विंडोज 3 वॉज रिलीज इन 1990, राइट. सो 1990. सो विंडोज 3 वॉज रिलीज इन 1990, एंड इट वॉज बेटर एट मल्टी टास्किंग. तो विंडोज 1 और विंडोज 2 के कंपेरिजन में ये मल्टी टास्किंग में बेटर था. एंड फॉर दिस 8086 माइक्रो प्रोसेसर वॉज यूज इन कंप्यूटर सिस्टम, एंड इट हैज़ बोथ कन्वेंशनल एंड एक्सटेंडेबल मेमोरी. कन्वेंशनल का मतलब क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर सिस्टम में जो रोम और रैम होती है उसको कन्वेंशनल कहते हैं, और एक्सटेंडेबल में जैसे क्या हो जाएगा, पेन ड्राइव हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा, हार्ड ड्राइव हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. एंड दिस इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज टू गेट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन, क्योंकि इसमें मल्टीटास्किंग वगैरह का मल्टीटास्किंग में ये बेटर था, इसलिए इसको जो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन मिला था. और इसकी मेमोरी और स्टोरेज क्या थी, बहुत ही अच्छी थी. एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये जो विंडोज 1, विंडोज 2 एंड विंडोज 3, दे आल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ विंडोज वर्किंग बेस्ड ऑन अ ग्राफिकल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट. तो ये ग्राफिकल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट थे. जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का वो है विंडोज 95. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज विंडोज 95. दिस मे बी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन. सी, सो विंडोज 95 वाज द फर्स्ट कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज्ड ऑन अगस्त 15, 1995, एंड इट मर्ज MS-DOS, राइट, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज प्रोडक्ट, राइट. इट सिंप्लीफाइड प्लग एंड प्ले फीचर. प्लग एंड प्ले फीचर्स क्या होते हैं कि जैसे ही हम कोई पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको जो है आइडेंटिफाई कर सकता है और उसको यूजेबल बनाता है, राइट. इसमें टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू वॉज इंट्रोड्यूस विद द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट. टास्क बार से आप देख सकते हैं कि कितनी जो विंडोज है वो जो है एग्जीक्यूट हो रही हैं, और स्टार्ट मेन्यू में जाकर आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को सर्च कर सकते हैं, राइट, सेटिंग्स में जा सकते हैं. दिस इज़ द एडवांस फ्रॉम 16-bit ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टू 32-bit, क्या हो जाएगा, GUI. जो विंडोज 3 था वो क्या था, विंडोज 3 और विंडोज 2 16-bit
ग्राफिक यूज़र इंटरफेस थे, और विंडोज़ 95 जो था वो 32 बिट क्या था, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस था। लॉन्ग फाइल नेम्स कुड बी सेव्ड, जो भी फाइल होती थी उनको उनका लॉन्ग फाइल नेम हो सकता था। इनिशियली जो विंडोज़ 95 था डिड नॉट हैव इंटरनेट एक्सप्लोरर राइट इंस्टॉल्ड, बट जैसे ही इसको रिलीज किया गया था तो द फर्स्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर वॉज इंस्टॉल्ड इन द सॉफ्टवेयर, क्लियर। और दिसंबर 31, 2001 को जो विंडोज डिक्लेयर दिस वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आउटडेटेड एंड एंडेड इट्स सपोर्ट फॉर द सेम। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर विंडोज 98। नेक्स्ट इज विंडोज 98, राइट। सो विंडोज 98 वॉज रिलीज इन 1998, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। इट वॉज अ 16-bit एंड 32-bit प्रोडक्ट बेस्ड ऑन MS Office Disk Operating System, and it was not entirely new version, right? दरअसल जो Windows 95 था उसका ही ये tuned up version था, which means इसमें कुछ और जो functions थे वो include किए गए थे। For an example, जो Internet Explorer था उसको introduce किया गया था किसमें, Windows 95 में, और इसका जो 4.01 जो वर्जन था वो रिलीज किया गया था विंडोज 98 में। इट डिड नॉट सपोर्ट USB प्रिंटर्स और मास स्टोरेज डिवाइसेस, तो इसमें मास स्टोरेज डिवाइसेस को ये सपोर्ट नहीं करता था। एंड इसका जो अपडेटेड वर्जन था वो 1999 में रिलीज किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर विंडोज 2000, राइट। तो इट वॉज ऑफिशियली विंडोज 2000 वॉज ऑफिशियली रिलीज ऑन February 17, 2000, राइट। बट इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो 99 में ही स्टार्ट हो गई थी, और इसमें अ कोर सेट ऑफ फीचर्स को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसमें अ कोर सेट ऑफ फीचर्स को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, बट इसके 4 डिफरेंट क्या थे, एडिशंस थे। तो ध्यान रखना, अगर 3 मार्कर में पूछा जाए कि विच माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हैड 4 डिफरेंट एडिशंस फर्स्ट टाइम, तो वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट टाइम विंडोज 2000 के 4 डिफरेंट एडिशंस थे जो डिफरेंट सेक्टर्स को टारगेट करते थे। फॉर एन एग्जाम्पल, सर्वर प्रोफेशनल, एडवांस सर्वर एंड डाटा सेंटर सर्वर। इट वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम एवर। तो जो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उसमें से विंडोज 2000 को मोस्ट सिक्योर माना जाता है। अ लोकल डिस्क मैनेजर वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद दीज विंडोज एंड मल्टीलिंगुअल यूजर इंटरफेस। तो इट सपोर्टेड मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, विच मीन्स मल्टीलिंगुअल यूजर इंटरफेस जो था वो किस में इंट्रोड्यूस हुआ था, विंडोज 2000 में। लेट्स टॉक अबाउट विंडोज XP, राइट। सो विंडोज XP वॉज रिलीज्ड ऑन October 25, 2001, एंड दिस वॉज एडवांस्ड पोर्टेबल PC सपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। विच मीन्स जैसे हम मॉडर्न डे में कह सकते हैं कि लैपटॉप हो जाएगा या डेस्कटॉप हो जाएगा, तो जो एडवांस पोर्टेबल PC कंप्यूटर थे, फॉर दैट दिस वाज विंडोज XP वाज यूज्ड, राइट। एंड ऑटोमेटिक वायरलेस जो कनेक्शंस थे वो इसमें सपोर्ट होते थे, जैसे कीबोर्ड हो जाएगा या फिर कीबोर्ड हो जाएगा या माउस हो जाएगा। सो दिस वाज एडवांस्ड पोर्टेबल PC सपोर्ट, राइट। और इसमें ऑटोमेटिक जो वायरलेस कनेक्शंस थे वो इसमें सपोर्टेबल थे, राइट। ये इसमें फास्ट क्या था, स्टार्टअप था, और इसमें बेटर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था, राइट। और साथ ही साथ इसमें हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर को भी जो है इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, विंडोज़ विस्टा वॉज रिलीज ऑन January 13, 2007, एंड इट हैड अपग्रेडेड वर्जन ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। It was the first operating system to use DVD-ROM for installation, right? तो DVD के माध्यम से जो है इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। Then क्या हो जाएगा, Windows 7. So Windows 7 was released on October 22, 2009, and a large number of new जो फीचर्स थे वो Windows 7 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। साथ ही साथ जो
विंडोज सेल थी उसको रीडिज़ाइन किया गया था विद एन अपडेटेड टास्क बार, साथ ही साथ इंक्रीमेंटल अपग्रेड टू विंडोज लाइन, विच मीन्स इसको टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट करने का प्लान भी था। ऑल्सो लाइब्रेरीज वर एडेड इन द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एंड अ फ्यू फीचर्स फ्रॉम द पास्ट विंडोज उनको रिमूव किया गया था, राइट। साथ ही साथ कुछ न्यू फीचर्स, राइट, जैसे जो विंडोज सेल थी उसको रीडिज़ाइन किया गया था और कुछ न्यू फीचर्स को भी जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था और इसमें जो हार्डवेयर सपोर्ट था उसको एक्सटेंड किया गया था। देन हो जाएगा विंडोज 8, तो याद रहे विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 7 और विंडोज 8 से जो है 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। देन क्या हो जाएगा विंडोज 8, सो विंडोज 8 वॉज रिलीज्ड ऑन अक्टूबर 26, 2012। और इसको जो टच बेस्ड के लिए, जैसे क्या हो जाएगा, लैपटॉप हो जाएगा, राइट, आईपैड हो जाएगा, लैपटॉप आईपैड हो जाएगा, राइट, उसके बाद में मोबाइल फ़ोन हो जाएंगे, उसके लिए इसको क्या किया गया था, ऑप्टिमाइज किया गया था। ध्यान रखना विंडोज 7 फेमस है और उसके बाद में विंडोज 10 फेमस है, विंडोज 8 जो है वो दरअसल देखा जाए तो विंडोज 7 का ही एक वर्जन है जिसको टच बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए क्या किया गया था, ऑप्टिमाइज किया गया था, राइट। सो विंडोज 7 वाज ऑप्टिमाइज्ड फॉर टच बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सो दिस हैड ऑप्टिमाइजेशंस फॉर टच बेस्ड, राइट, एंड इंस्टॉल्ड न्यू डिवाइसेस लाइक, और इसको इंस्टॉल किया गया था लैपटॉप में, मोबाइल फोन्स में और टैबलेट्स में, राइट। इंक्रीज्ड इंटीग्रेशन विद कलर क्लाउड सर्विसेज, तो क्लाउड सर्विसेज को भी जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, विंडोज स्टोर सर्विस फॉर इस सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, जब विंडोज 8 को मोबाइल फोन्स में क्या किया गया था, मोबाइल फोन्स में इसको डाला गया था, तो उसके लिए विंडोज क्या था, स्टोर सर्विस भी था, जहां से विंडोज के जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस थे उनको इंस्टॉल किया जा सकता था और डाउनलोड किया जा सकता था, राइट। टास्क वार मैनेजर या टास्क मैनेजर हैड बीन रीडिजाइंड, न्यू सिक्योरिटी फीचर्स वर इंट्रोड्यूस्ड और ऑनलाइन एप्लीकेशंस कुड बी डायरेक्टली डाउनलोडेड, राइट। सो रिमेंबर विंडोज 8 जो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको ऑप्टिमाइज किया गया था टच बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए और स्पेशली अगर हम देखें तो जो मोबाइल फोन्स हैं उनके लिए और टैबलेट्स के लिए जो है इसको ऑप्टिमाइज किया गया था। इसमें क्लाउड सर्विसेज के माध्यम से जो इसका इंटीग्रेशन था उसको इंक्रीज किया गया था, इसमें विंडोज स्टोर सर्विस भी था ताकि जो सॉफ्टवेयर है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, टास्क वर्क को जो है रीडिज़ाइन किया गया था और सिक्योरिटी फीचर्स को जो है न्यू सिक्योरिटी फीचर्स को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर विंडोज 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि ये करंट में इसी को यूज़ किया जाता है। सो विंडोज 10 वॉज रिलीज्ड ऑन जुलाई 29, 2015 और इसमें जो भी शॉर्ट कमिंग्स थी, जो प्रीवियसली जितने भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर थे उनमें शॉर्ट कमिंग्स को क्या किया गया था, एड्रेस किया गया था, तो एड्रेसेस शॉर्ट कमिंग्स इन द यूज़र इंटरफेस फर्स्ट इंट्रोड्यूस विद विंडोज 8 एंड एच में जो है एक वर्चुअल डेस्कटॉप सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। इट हैड द एबिलिटी टू रन विंडोज स्टोर एप्स विद इन विंडोज ऑन द डेस्कटॉप रेदर देन इन फुल स्क्रीन मोड और इसमें न्यू आइकन्स को जो है इंक्लूड किया गया था एंड टू स्टोर शॉर्ट कमिंग्स विंडोज 10 ऑटोमेटिकली कंप्रेसेस द फाइल साइज। ये इसकी महत्वपूर्ण क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी कि जो विंडोज 10 एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ऑटोमेटिकली जो फाइल साइज है उसको कंप्रेस करता है सो दैट जो लार्ज फाइल है वो कंप्रेस हो जाएंगी तो वो जो है स्मॉल एमबी या स्मॉल जो स्टोरेज है वो उसको क्या करेंगी, यूज करेंगी। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा यहाँ पर विंडोज 10 हो जाएगा। क्लियर। नाउ लेट्स स्टडी एप्लीकेशंस इन विंडोज, राइट। तो अगर हम देखें तो विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द एंड यूजर, जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन को भी जो है यूज किया जा सकता है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ जो है डिफरेंट एप्लीकेशन सिस्टम
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी जो है यूज़ किया जा सकता है, तो उसी को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। और ये 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है कि एप्लीकेशंस इन विंडोज, राइट? सो देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस विद आर अवेलेबल एट द विंडोज स्टोर, जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके विंडोज स्टोर पर ऑल काइंड्स ऑफ जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या हैं, इजीली अवेलेबल हैं एंड पीपल कैन इजीली एक्सेस देम, डाउनलोड देम एंड यूज देम, राइट? फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा वेब ब्राउजर्स हो जाएंगे, तो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडोज स्टोर है वहाँ से वेब ब्राउजर्स, राइट, वेब ब्राउजर्स को डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया जा सकता है। देन एडोब फोटोशॉप हो जाएगा, एडोब रीडर हो जाएगा जिसमें पीडीएफ को जो है रीड किया जा सकता है, राइट? मैसेंजर हो जाएगा मैसेजिंग के लिए, राइट? मीडिया प्लेयर्स हो जाएंगे जिनसे आप म्यूजिक और जो वीडियो से उनको देख सकते हैं, डिफरेंट गेम्स हो जाएंगे, देन ऑडियो वीडियो चैटिंग एप्स हो जाएंगे, राइट? जैसे व्हाट्सअप हो जाएगा, फेसबुक हो जाएगा, मैप्स एंड कैलेंडर, एंड इसके साथ ही और भी क्या है, लिस्ट बहुत ही लंबी है बट ये इंपॉर्टेंट है, राइट? सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड विंडोज, राइट? नाउ लेट्स स्टडी यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। अब यहां से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, तो सबसे पहले हम वो समझते हैं। तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, सबसे पहले तो हमको उनके नाम पता होना चाहिए, राइट? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, राइट, एमएस आउटलुक, एमएस नोट, राइट? तो इन सब को कब इंट्रोड्यूस किया गया है, इनका यूज क्या है, कहने का मतलब जो जितने भी एमएस ऑफिस में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, राइट, उनकी लॉन्च डेट आपको पता होना चाहिए। और जैसे अगर 3 मार्कर में पूछा जाता है तो हमेशा ध्यान रखना 3 मार्कर में हमको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो सबसे पहले पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि इफ़ द क्वेश्चन इज आस्ड रिगार्डिंग एमएस वर्ड एंड एमएस ऑफिस, तो सबसे पहले आपको उसका यूजेस पता होना चाहिए या उसका फंक्शन पता होना चाहिए या फॉर विच पर्पज दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज, राइट? तो उसका यूजेज या यूटिलिटी आपको जो है पता होनी चाहिए। सेकेंड, उसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है या उसके डिफरेंट जो हैं, डिफरेंट उसके यूजेस क्या हैं, राइट? और थर्ड, उसके रिगार्डिंग जो है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास में होनी चाहिए, राइट? तो इस तरीके से 3 मार्कर क्वेश्चन तो जो हैं जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनसे पूछे जा सकते हैं। 5 मार्कर में यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, राइट? फॉर एन एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि वॉट आर द फंक्शंस ऑफ एमएस वर्ड, राइट? या राइट द यूजेज ऑफ एमएस एक्सेल, राइट? या फिर 11 मार्कर में पूछा जा सकता है कि वॉट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज वेल एज वॉट आर द डिफरेंट यूज। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जो विंडोज है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तहत आते हैं। तो 11 मार्कर में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वॉट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड वॉट आर द यूजेज ऑफ एम एस वर्ड एंड एम एस एक्सेल, या वॉट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड वॉट आर द यूजेज और फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उसमें भी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, राइट? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड विच टाइप ऑफ क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक इन द एग्जामिनेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, राइट? दिस 5 मार्कर क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, राइट? सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ सॉफ्टवेयर विच वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1998 एंड दिस ऑफिस सूट कंप्राइजेस वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या वेरियस एप्लीकेशन और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच फॉर्म द कोर ऑफ कंप्यूटर यूजेज इन टूडेज वर्ल्ड, विच मीन्स कंप्यूटर्स का जो यूजेज किया जाता है स्पेसिफिक पर्पज के लिए वो सभी एम एस ऑफिस के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। करेंटली जो एम एस ऑफिस 2016 है उसको यूज किया जा रहा है, राइट, फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल
purposes, right? So Microsoft Office is a software which was developed by Microsoft in 1988, and this Office suite comprises various application softwares which form the core of computer uses in today's world. And currently MS जो 2016 है उसको use किया जा रहा है in personal and professional tasks और for personal and professional purposes. MS Office applications की जो functions हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे. तो MS Office applications और उनके जो functions हैं हम उनको one by one जो है पढ़ते चलेंगे. सबसे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर MS Word, राइट? तो आप इससे सिंपल समझ सकते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था वर्ड प्रोसेसिंग. तो एक तरीके से ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है. दैट्स इट. इसके अलावा भी इसके कुछ और फीचर्स हैं उनको हम देखते हैं. तो MS Word, राइट? MS Word इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर रिलीज्ड ऑन October 25, 1983. तो MS Word को October 25 को 1983 में जो है लॉन्च किया गया था, रिलीज किया गया था. एंड इसका जो एक्सटेंशन है वो क्या हो जाएगा? DOC, विच मीन्स यदि कोई फाइल लिखी है xyz.doc, सो यू कैन अंडरस्टैंड ये जो फाइल है ये MS Word की क्या है? फाइल है, राइट? इट इज़ यूजफुल इन क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स. तो वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा जो हम वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा हम जो टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, राइट? उसके लिए ही इसका यूज़ किया जाता है. सो इट इज़ यूज इन क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स. साथ ही साथ इसमें टेम्पलेट्स भी हो सकते हैं जिनका यूज़ प्रोफेशनल वर्क के लिए किया जा सकता है. साथ ही साथ इसमें वर्क आर्ट होती है, राइट? वर्क आर्ट होती है जिससे हम किसी भी टेम्पलेट में, फॉर एन एग्जाम्पल रिज्यूम है या कोई भी फाइल है, उसमें जो टाइटल है या जो डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं उनके डिफरेंट टाइप के जो हैं वर्क आर्ट में डिफरेंट जो डिफरेंट शेप एंड साइज के क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं. साथ ही साथ कलर का यूज़ किया जा सकता है इमेजेस का. और एनिमेशंस कैन बी एडेड अलोंग विद द टेक्स्ट इन द सेम फाइल विच इज डाउनलोडेबल इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट, राइट? और स्पेशली इसका यूज़ राइटिंग के लिए, एडिटिंग के लिए किया जाता है, वेदर चाहे वो ऑथर हो, स्टूडेंट हो या कोई प्रोफेशनल हो. नाउ सेकेंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज MS Excel, राइट? तो MS Excel इज मेजरली यूज फॉर मेकिंग स्प्रेड शीट्स, राइट? स्प्रेड शीट्स एक तरीके से अगर हम देखें तो इसमें जो न्यूमेरिक डाटा होता है, राइट? जो न्यूमेरिक डाटा होता है या जो ह्यूज डाटा होता है उसको मैनेज करने के लिए, राइट? उसको मैनेज करने के लिए साथ ही साथ उनको टेबुलर फॉर्मेट में जो है, टेबुलर फॉर्मेट में उसको मैनेज करने के लिए MS Excel का क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है. और उसको टेबुलर फॉर्मेट में उसको मैनेज करके उस डाटा का सम किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और भी डिफरेंट क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं, राइट? तो MS Excel मेजरली यूज्ड फॉर मेकिंग स्प्रेड शीट्स. अ स्प्रेड शीट कंसिस्ट ऑफ ग्रिड्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट? कॉलम्स विच इज ईजी टू मैनेज एंड कैन बी यूज एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ पेपर. तो जो MS Excel होता है उसमें स्प्रेड शीट होती है, राइट? और स्प्रेड शीट को ही क्या कहते हैं, जो है वर्क शीट भी कहते हैं, राइट? तो MS Excel में वर्क शीट या स्प्रेड शीट होती है जिसमें ग्रिड, राइट? जिसमें डिफरेंट ग्रिड्स होती हैं, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, सेल भी कह सकते हैं. और ये MPPSC प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट? तो मेंस में भी पूछे जाने की संभावना. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ MS Excel इज नोन एज सेल, राइट? जो कि जो सेल होती है. और साथ ही साथ जो वर्कशीट होती है, वर्कशीट, राइट? वर्कशीट और स्प्रेड शीट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रेड्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. और रोज एंड कॉलम से मिलकर ही क्या बनती है, सेल बनती है, जिसमें डाटा को क्या किया जाता है, इनपुट किया जाता है. एंड दिस
This spread seed is easy to manage and can be used as a replacement of a paper. अब जो वर्क सीट होती है, स्प्रेड सीट होती है, उसके कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो इसके कलेक्शन को ही क्या कहा जाता है? वर्क बुक कहा जाता है, राइट? तो कलेक्शन ऑफ वर्क सीट इज नोन एज वर्क बुक. और जनरली जो वर्क बुक होती है उसमें कितनी वर्क सीट होती हैं? जो बाय डिफॉल्ट 3 वर्क सीट जो है वो अवेलेबल होती हैं. और इट इज़ अ डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन. ये डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, विच मीन्स जैसे मैंने कहा कि कंपनी में कितना प्रोडक्ट्स को, कौन से प्रोडक्ट्स को कब सेल किया गया है, कितने में सेल किया गया है, किसको सेल किया गया है, राइट? इस तरीके का जो डाटा है उसको प्रोसेस किया जा सकता है, उसका सम किया जा सकता है, सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, राइट? देयरफॉर लार्ज डाटा कैन इजीली बी मैनेज्ड एंड सेव्ड इन टेबुलर फॉर्मेट यूजिंग एमएस एक्सेल. साथ ही साथ इसमें कई फॉर्मूलेस भी होते हैं एंड कैलकुलेशंस कैन बी बेस्ड ऑन द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंटर्ड इनटू सेल्स ऑफ स्प्रेड सीट विद इन सेकेंड्स. तो जो सेल्स होती हैं उनमें जो डाटा होता है उसका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट किया जा सकता है. देयरफॉर एमएस एक्सेल इज वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन. फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो क्या होता है? XLS होता है. देन क्या हो जाएगा यहाँ पर? MS PowerPoint. और MS PowerPoint का जो है एग्जाम्पल है वो यही हो जाएगा, राइट? ये अगर आप देखें तो यहाँ पर ये क्या है? स्लाइड है. जैसे मैं यहाँ पर रिमोट के माध्यम से स्लाइड को चेंज करता हूँ तो आपको नई स्लाइड मिल जाती है, राइट? सो व्हाट इज MS PowerPoint? सी MS PowerPoint वॉज रिलीज्ड ऑन अप्रैल 1987 एंड This is used to create audio-visual presentations, right? Which means अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगी? PPT हो जाएगी, या इसको ही PowerPoint कहते हैं. तो इसमें audio file को, right? Video file को, images को, graphics को जो है slide के रूप में क्या किया जा सकता है? Form किया जा सकता है, right? तो कई lectures में आपने देखा होगा कि कई बार आपको जो है JPG फॉर्मेट में आपको क्या मिलती हैं? इमेजेस मिलती हैं, राइट? तो कई जो स्लाइड्स हैं उसमें जिप फॉर्मेट में भी आपको वीडियोस मिल सकते हैं, राइट? सो MS PowerPoint इज़ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन विच इज़ यूज टू क्रिएट ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन एंड ईच प्रेजेंटेशन इज मेड अप ऑफ वेरियस स्लाइड्स डिस्प्लेइंग डाटा एंड इन्फॉर्मेशन. तो जो स्लाइड होती है उसमें ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, बुलेट्स, राइट, टेबल्स का जो है यूज किया जा सकता है, राइट? और जो उसमें वेरियस इंफॉर्मेशन को पुट किया जा सकता है. साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जैसे मैं स्टेज पर कोई भी प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ तो मैं डाटा को जो है यहाँ पे वायर रिमोट से भी जो है स्लाइड चेंज कर सकता हूँ, या मैं स्लाइड्स में टाइमर भी लगा सकता हूँ तो आफ्टर 5 सेकेंड और 10 सेकेंड जो है स्लाइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? यहाँ पर जो है चेंज हो जाएगी, राइट? सो ईच स्लाइड मे कंटेन ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, बुलेट, नंबरिंग, टेबलेट्स, टेबल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? पीपीटी होता है. तो इसको ही क्या बोलते हैं? पीपीटी बोलते हैं, राइट? इसका प्रोफेशनल यूजेस बहुत ज़्यादा है और ये प्रेजेंटेशन के लिए क्या की जाती है? यूज की जाती है, राइट? सो एमएस पावरपॉइंट वाज रिलीज्ड ऑन अप्रैल 1987 विच इज़ यूज टू क्रिएट ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस, राइट? ईच प्रेजेंटेशन इज मेड अप ऑफ वेरियस स्लाइड्स डिस्प्लेइंग डाटा इन्फॉर्मेशन, राइट, इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, बुलेट, नंबर एंड टेबल्स. और इसका एक्सटेंशन होता है पीपीटी, जिसका मेनली यूज किया जाता है प्रेजेंटेशंस के लिए. देन क्या हो जाएगा? एमएस एक्सेस हो जाएगा. ये एक डाटाबेस मैनेजमेंट क्या है? सॉफ्टवेयर है जिसमें डाटाबेस को क्या किया जाता है? मैनेज किया जा सकता है. तो एमएस एक्सेस वॉज रिलीज्ड ऑन नवम्बर 1992 एंड इट इज़ डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से डाटा को जो है मैनेज किया जाता है. डाटा कैन बी क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, राइट? सो टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स कैन बी क्रिएटेड ऑन एमएस एक्सेल,
साथ ही साथ इससे डाटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सकता है अदर फॉर्मेट में, राइट। और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो ACCDB होता है। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, MS Outlook। तो MS Outlook वाज रिलीज्ड ऑन जनवरी 16, 1997। सो 1997 को MS Outlook को क्या किया गया था, जो है रिलीज किया गया था। एंड इट इज अ पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। तो MS Outlook एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या होता है, सिस्टम होता है। तो ये आपकी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या करता है, मैनेज करता है, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल दिस कैन बी यूज फॉर वेरियस फंक्शंस, फॉर एन एग्जाम्पल इंक्लूडिंग टास्क मैनेजिंग, राइट, कैलेंडरिंग। फॉर एन एग्जाम्पल आपको किसी को बर्थडे विश करना है, आपको एग्जाम देना है, आपको किसी भी स्पेसिफिक डेट पर कोई भी फंक्शन को अटेंड करना है, तो आप वहाँ पर कैलेंडरिंग कर सकते हैं, राइट। आपके कॉन्टैक्ट को मैनेज कर सकते हैं, जनरल लॉगिंग हो जाएगी, आपने डे टू डे लाइफ में क्या किया है, वेब ब्राउजिंग की हिस्ट्री जो है कर सकते हैं, और आपके जो टास्क हैं वो मैनेज हो सकते हैं। इट कैन बी यूज बोथ एज अ सिंगल यूजर एप्लीकेशन और मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर, राइट। इट इज द ईमेल क्लाइंट ऑफ द ऑफिस सूट, राइट। जो ऑफिस सूट होता है उसमें ये क्या होता है, ईमेल क्लाइंट के रूप में ये जो है फंक्शन होता है। एंड द फाइल एक्सटेंशन फॉर एन आउटलुक इज PST.PST। देन क्या हो जाएगा, MS OneNote हो जाएगा। सो दिस वॉज रिलीज्ड ऑन नवंबर 19, 2003। जनरली अगर आपको ये डेट भी याद रखने में जो है डिफिकल्टी है, तो आप ईयर को तो जो है हमेशा याद ही रखें, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो MS Word को 1983 में, राइट, फिर उसके बाद में पावर पॉइंट को 1987 में, राइट, देन MS Access को 1992 में, देन MS Outlook को 1997 में, और MS OneNote को 2003 में जो है रिलीज किया गया था। इट इज अ नोट टेकिंग एप्लीकेशन, राइट। व्हेन इंट्रोड्यूस इट वाज अ पार्ट ऑफ MS सूट ओनली, राइट। लेटर द डेवलपर्स मेड इट फ्री स्टैंड अलोन एंड इजीली अवेलेबल एट प्ले स्टोर फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस। तो पहले ये MS जो ऑफिस सूट था उसके लिए था, बट लेटर इसको फ्री एंड स्टेट जो है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के रूप में जो एंड्रॉयड डिवाइसेस पर जो है डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है। द नोट्स में इंक्लूड, राइट, इमेजेस, टेक्स्ट एंड क्या हो जाएगा, टेबल हो जाएगा। एंड द एक्सटेंशन फॉर वन नोट फाइल इज 1.1। इट कैन बी यूज बोथ ऑनलाइन एज वेल एज क्या हो जाएगा, ऑफलाइन। एंड इट इज अ मल्टी यूजर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन हो जाएगा, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सवेल। अगर आपसे क्वेश्चन 11 मार्कर में पूछा जाए वॉट इज MS सूट एंड वॉट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ MS ऑफिस, तो जनरली क्या है कि जो MS ऑफिस के जो जितने भी यूजेस हैं आप उनको पॉइंट टू पॉइंट नोट कर सकते हैं। जैसे जो है आप 1 और 2, राइट, जैसे 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट में आप MS वर्ड के यूजेस लिख सकते हैं, फिर 3 पॉइंट में आप एक्सेल का यूज लिख सकते हैं, 4th पॉइंट में पावर पॉइंट का यूज लिख सकते हैं, फिफ्थ पॉइंट में जो है आप आउटलुक का यूज लिख सकते हैं, 6th पॉइंट में MS वन नोट का। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है उसमें वैरायटी भी होगी एंड डेफिनेटली यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड विंडोज एज वेल एज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नाउ वी विल मीट इन अपकमिंग लेक्चर। टिल देन थैंक यू।